देखिए, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उस बारे में कई लोगों को नॉलेज है और कई लोगों को नहीं है उसके बारे में जानकारी। पर जिनको जानकारी है भी तो वो कई बार इस चीज़ को करना भूल जाते हैं ज़रूरत के वक्त। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हेडलाइट को किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसके फोकस को आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। मैं हूँ प्रतीक, वेलकम अगेन इन PR प्ले। तो चलिए देखें इसे। कि हम जिस स्विच की आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो आपको कार के स्टीयरिंग के जस्ट नीचे आपको इस जगह मिलेगा, ये है वो स्विच। कई लोगों को इसके बारे में मालूम है, कई लोगों को नहीं मालूम है। जो ज़्यादातर जिनको नहीं मालूम है वो या तो नए ड्राइवर हैं और या तो नए कार ओनर हैं, और ज़्यादातर को तो इसके बारे में पता रहता है, पर हाँ बस ज़रूरत के वक्त इसके बारे में भूल जाते हैं। और चलिए तो हम इसके कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, क्या होता है इस स्विच से। देखिए, कई नए कार ओनर्स को तो ज़्यादातर ये शिकायत होती है कि हम अपने कार में जो हेडलाइट है उसको देखते हैं, उसमें ज़्यादा पावर नहीं है और वो फोकस ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रही है। तो शायद उनको इसके बारे में कभी कभी जानकारी नहीं होती है। अगर उनके कार की हेडलाइट का फोकस अच्छा हो भी तब भी वो ऐसा कहते हैं, शायद उनका ये जो सेट है स्विच वो डिक्रीज ऑर्डर में हो और उनकी जो हेडलाइट है वो उस वजह से नीचे की तरफ फोकस दे रही हो लाइट का। तो इसको एडजस्ट करके, इसको आप टर्न करके उसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसका रेंज बढ़ा सकते हैं अपनी लाइट का सामने की तरफ, और उसे नीचे की तरफ करने पर उसे आप अपनी लाइट का फोकस नीचे की तरफ रोड पे रख सकते हैं। तो ये मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ इससे क्या होता है। मैंने हाई बीम लाइट ऑन कर रखी है और मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से। तो आपको हाई बीम लाइट में उतना तो नहीं पता चलेगा, पर जब मैं इसको लो बीम लाइट में रखता हूँ, अब आपको एक लाइन दिख रही होगी कि यहाँ तक रेंज उसकी है हेडलाइट की हमारे। और अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये आप देखेंगे कि अब रेंज कैसे बढ़ रही है और घट रही है। ये आप सामने आप देख रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से पता चल रहा होगा किस तरह से आप अपने हेडलाइट की इसकी मदद से रेंज बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इस स्विच की ज़्यादातर ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब जैसे सीज़न बदल रहा होता है, या तो आप काफ़ी डार्क नाइट में ड्राइव कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने कार के हेडलाइट की फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि आपका कार में आपका जो विज़न है, आपका जो व्यू है वो क्लियर हो पाए, आप अच्छे से देख पाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सेफ ड्राइव करें अपने लिए, अपनों के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।